हेलो फ्रेंड्स, मैं सरफराज कौन। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे रिलायंस पावर शेयर को लेकर। 3-4 रुपए के लेवल से जिसका सफ़र शुरू हुआ, तब मैंने इसको कॉट किया। और जब वीडियो बनाना शुरू करा तो 9 रुपए, 10 रुपए, 12, 13, 14 के आसपास से आप लोगों को बताना शुरू करा। और फिर ये 35 तक आ गया। 35 पे न्यूज़ उड़ी कि शायद इसमें कुछ ऐसा हो सकता है कि नीचे आ जाए। तभी मैंने आपको 26 अगस्त पे एक वीडियो बना के दिया, उस पर क्लैरिटी से समझाई मैंने हर चीज़। 950+। और बहुत पहले भी मैंने एक वीडियो बना करके कहा था कि रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर आपके पास है, उसको बेच दीजिए, आप रिलायंस पावर में इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, ये आपको बेहतरीन रिटर्न देगा आने वाले टाइम में। क्योंकि मुझे इतना पता है, 2 रुपये का शेयर जब 20 रुपये का हो जाता है तो वो 10 गुना रिटर्न दे जाता है। और यही 2,500 रुपये का शेयर अगर 3,000 भी हो जाए तो आपको इतना रिटर्न नहीं मिल पाता जितना कि 2 रुपये का शेयर 20 रुपये पे आने के बाद बना के देता है। ये फलसफा है, ये समझने वाले समझते हैं, प्रॉफिट कमाने वाले जानते हैं। इसलिए मैंने ये बात कही थी। मैंने ये नहीं कहा था कि रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर में इन्वेस्टमेंट करके आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन फास्ट रिटर्न अगर आपको चाहिए, मल्टीपल रिटर्न चाहिए, तो ये आपको रिलायंस पावर ही दे पाएगा, क्योंकि वो शेयर लो लेवल पर था। और अभी भी जिन्होंने 20 रुपये के लेवल पे भी लिया और ये 50+ हो गया, तो आप समझ जाइए 2.5 गुना रिटर्न उनको मिल चुका है। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज शेयर में आपको इतना रिटर्न नहीं मिल पाया होगा अब तक। और अगर आप इसकी रफ्तार देखें, 2 रुपये से 50 रुपये, तो 25 गुना रिटर्न। और यही रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर अगर मान लीजिए आप 500 रुपये से के लेवल से भी माने 3,000 के लेवल पर, तो भी आपको इतना रिटर्न नहीं मिला। और 500 रुपये के लेवल पर तो ये जब आपको मिल ही नहीं रहा होगा, जब रिलायंस पावर जैसा शेयर आपको 2 रुपये पर मिल रहा हो। तो आप इसका सफ़र तय करें तो 1,000 से माने कि जब कोरोना के टाइम पे ये बिलो रुपीज़ 1,000 चला गया था रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर, तो अगर आपने 1,000 रुपये के लेवल से भी अब तक लिया, तो 3,000 रुपये का लेवल या 3,500 रुपये का लेवल या 4,000 रुपये का भी लेवल अगर आप कंप्लीट करें तो 4 रुपये। और वहीं ये 2 रुपये से 50 गया तो 25 रुपये। तो इसलिए मैंने कही थी ये बात। समझने वाले सब फंस गए, नहीं समझने वाले नहीं समझे। कुछ लोगों ने मुझे बहुत कुछ बुला भरा भी कहा कि ये क्या इन्वेस्ट, किस टाइप के इन्वेस्ट करने सिखा रहे हैं गलत तरीके से। मैं आपको वो वीडियो भी आपको शेयर करूँगा कम्युनिटी ब्लॉक में। और अब आज आपको फील हो रहा होगा कि शायद मेरी वो कई बात सही साबित हुई। जुड़े रहिए मेरे चैनल से। थैंक फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।